Hello, welcome to Arvind Singh Academy. Today we are going to discuss a very important topic today about the concept, about the completeness, about the complete truth, about the complete knowledge. आजकल कंपटीटिव वर्ल्ड है और सब बच्चे चाहते हैं कि हम फास्टेस्ट हो. जरूरी भी है, दौड़ की इस दुनिया में जीतेगा तो वही जो सबसे तेज दौड़ेगा. इसलिए इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि तेज दौड़ने वाला ही जीतेगा. लेकिन क्या तेज दौड़ने के लिए मूल बातों का ध्यान नहीं रखना चाहिए? क्या बिना व्यवहारिक और मूलभूत बातों की जानकारी रखे कोई तेज दौड़ लगा सकता है? आज की युवा शायद इस बात को समझ नहीं पा रहे. आज सुबह सुबह मैं क्लास ले रहा था, ऑनलाइन क्लास चलती है वीसेट के माध्यम से. जैसे ही अभी टॉपिक शुरू किया था कि बनारस से एक बच्चे का मैसेज आया कि सर शॉर्टकट ट्रिक बता दीजिए. बड़ा ताजुब हुआ ये जानकर के कि बच्चा सिर्फ और सिर्फ शॉर्टकट ट्रिक जानने के लिए बेताब है. वो सिर्फ शॉर्टकट ट्रिक जानना चाहता है. फंडामेंटल बातों को, मूलभूत बातों को, कंसेप्ट को, सब्जेक्ट को समझने के लिए वो कदापि रुचिकर नहीं है. यह बात मुझे बड़ा आश्चर्यजनक लगी. हालांकि ये मेरे जिंदगी में होता रहता है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है. अक्सर बच्चे पहली पहली क्लास में, पहली पहली मुलाकात में ये बातें पूछ डालते हैं कि सर शॉर्टकट ट्रिक बताइए. मैंने अपने लाइफ में बहुत सारे शॉर्टकट ट्रिक निकाला है और शायद इसी के लिए लोग मुझे जानते भी हैं. और मैंने लाखों की संख्या में शॉर्टकट ट्रिक्स डेवलप किए हैं खुद से, कुछ दूसरों से सीखा है, कुछ बोरोड नॉलेज है, कुछ खुद की इनोवेटिव नॉलेज है, बट कलेक्शन बहुत है, इसमें कोई दो राय नहीं है. और मैं इसको खूब मजे भी लेके पढ़ाता हूँ. मुझे आनंद आता है शॉर्टकट ट्रिक बताने में और शॉर्टकट ट्रिक के जरिए क्वेश्चन सॉल्व करने में. लेकिन फिर भी मैं ये कदापि नहीं भूलता कि मूलभूत विषय वस्तु का मूलभूत ज्ञान होना बहुत आवश्यक है. जब तक विषय वस्तु की अच्छी समझ नहीं होगी, शॉर्टकट ट्रिक्स फलीभूत नहीं होंगे. विषय वस्तु का ज्ञान होना उतना ही जरूरी है जितना शॉर्टकट ट्रिक जानना जरूरी है. तो बिना विषय वस्तु का मूलभूत ज्ञान किए शॉर्टकट सीख लेने से आप उसे अप्लाई नहीं कर पाएंगे. जरूरत के समय में आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे. और एक आध मौकों पे अगर आप कर भी ले तो जो बेहतरीन मौके होंगे, जहां पे ज्यादा जरूरत होगी, वहां पे आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे. इस कम्पिटेटिव वर्ल्ड में जैसे IIT का एग्जाम है, SSC का एग्जाम है, MBA का एग्जाम है, IAS का एग्जाम है, NDA, CDS, तमाम KVPY से लेकर के हर जगह एग्जाम है. बट सभी एग्जाम के लिए जो क्वेश्चन सेटर होते हैं, उनके दिमाग में भी होता है कि बच्चों की हम गहन ज्ञान का परीक्षण कैसे कर पाएंगे. इसलिए सब लोग क्वेश्चन जो सेटर होते हैं उनके इस दृष्टिकोण से हम भी वाकिफ होते हैं. और इसलिए बच्चों को सलाह देते हैं कि आप विषय वस्तु का बेसिक ज्ञान, जो साधारण ज्ञान है, जो मूलभूत ज्ञान है, उस पर भी उतना ही तन्मयता से, उतना ही मन लगा के, उतना ही पूरी जिज्ञासा से आप उसे पढ़ें. जब तक विषय वस्तु का ज्ञान अच्छी तरह से नहीं होगा, तब तक सिर्फ शॉर्टकट के भरोसे आप जीत नहीं सकते, कंपटीशन नहीं जीत सकते. इसलिए मैं आपको बता दूं कि ज्ञान ये पूर्ण नहीं होता. शॉर्टकट की दुनिया, ये क्वेश्चन हो तो इसको ऐसे कर लो, ये क्वेश्चन हो तो उसमें ये फॉर्मूला लगा दो, वो क्वेश्चन हो तो उसको ऐसे कर लो, ये याद करने वाली बातें हैं, यादाश्त वाली बातें हैं, जो बच्चे अक्सर करते हैं और दो चार दस क्वेश्चन में सक्सेसफुल हो भी जाते हैं. तो उनको लगता है कि मैं तो इस विषय का पारंगत हो गया, मुझे अब सारे क्वेश्चन मेरे से हो जाते हैं. पांच क्वेश्चन क्या कर लिए, उनको लगने लगता है कि अरे मैं तो इस विषय का, इस टॉपिक का एकदम प्रकांड विद्वान हो गया, कोई भी क्वेश्चन आएगा मैं कर दूंगा.
क्योंकि उनकी दुनिया उन 5 क्वेश्चन से बाहर है ही नहीं। उन्होंने 10 क्वेश्चन जो सीख लिए, उस 10 क्वेश्चन के टाइप के क्वेश्चन सारे कर रहे हैं, उनके आसपास जो क्वेश्चन हैं वो इन्हीं 10 क्वेश्चन में से हैं, और उनको लगता है कि भाई हम तो इस विषय के पारंगत हो गए, हमसे सारे क्वेश्चन निकल रहे हैं। लेकिन विश्वास कीजिए, जब 11वां क्वेश्चन आएगा तब उससे नहीं बनता। जहाँ पे कंसेप्ट की जरूरत पड़ती है उसे नहीं बनता। इसलिए कंसेप्ट डेवलप करना हर एक विषय के लिए बहुत जरूरी है। चूंकि यह ट्रेनिंग स्कूलों से नहीं आजकल प्रॉपर दी जा रही है, इसलिए भी बच्चे भी उसी तरह के हो गए। स्कूलों में मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं जो स्कूल में लिखते हैं, और हम देखते हैं कि कई बार टीचर्स ऐसी बोलती है कि जैसा मैंने लिखा है वैसा बच्चे ने एज इट इज नहीं लिखा है, इसलिए हमने नंबर काट लिए। इससे बच्चों की क्रिएटिविटी खत्म होती है। आप में से भी बहुत सारे लोग इस बात से वाकिफ होंगे कि स्कूल के टीचर्स आजकल क्रिएटिविटी को पूरी तरह से डेवलप नहीं कर पा रहे हैं। अलबत्ता जो बच्चा क्रिएटिव बनने की कोशिश करता है उसको कहीं ना कहीं वो लोग ह्रास करते हैं। जैसे बच्चा कोई क्वेश्चन का आंसर अपने शब्दों में लिख दिया, बेशक उसके शब्द में बहुत सारी त्रुटियां हो सकती है, उसके लाइन में, उसके सेंटेंस फ्रेमिंग में, उसके जो बातें लिखी है उसमें कुछ कमियां हो सकती है, लेकिन इन कमियों को नजरअंदाज भी किया जा सकता है इस उद्देश्य से कि बच्चा आगे जाके कुछ क्रिएटिव होगा, क्रिएटिव राइटिंग उसकी डेवलप होगी, और उसे कम नंबर देने के बजाय इन गलतियों को नजरअंदाज करते हुए उसे पुरस्कृत किया जाना चाहिए, उसे शाबाशी देनी चाहिए कि बेटा तुमने जो कुछ भी लिखा निश्चित रूप से कुछ समझ के लिखा होगा, विषय वस्तु से हट के लिखे तब तो अभ्यास है कि कोई भी नंबर नहीं देगा, लेकिन अगर विषय वस्तु से मिलता जुलता उसके सार गर्भ को पूरी तरह से समाहित करता हुआ अगर उसका उत्तर है तो उसे मार्क्स दिया जाना चाहिए, उसे दंडित नहीं किया जाना चाहिए। ये क्रिएटिविटी वहीं से खत्म होती है, बच्चा याद करने की प्रवृत्ति को डेवलप करने लगता है, जैसा मैम ने लिखवाया, जैसा सर ने लिखवाया वैसा ही लिखे, और धीरे 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 क्रिएटिविटी ऊपर के लेवल पर जाते जाते लगभग लगभग वो मृत अवस्था में पहुंच जाती है। अब जब उसे वास्तविक धरातल पर कंपिटेटिव एग्जामिनेशन में, उदाहरण के लिए जैसे सिविल सर्विसेज की एग्जामिनेशन है, इसमें उत्तर को रट के नहीं लिखा जा सकता, इसमें आपकी क्रिएटिविटी, आपकी राइटिंग एबिलिटी का बहुत गहन परीक्षण होता है, चाहे वो एस्से के लिए हो या किसी प्रश्न की उत्तर देने की संरचना में हो, वो GS में भी हो सकता है, वो एस्से में भी हो सकता है, वो आपके इंटरव्यू के दौरान भी परिलक्षित हो पाता है। तो ऐसी स्थिति में क्रिएटिव होना बहुत जरूरी है, और विषय वस्तु का पूर्ण ज्ञान भी होना बहुत जरूरी है। अगर विषय वस्तु का पूर्ण ज्ञान नहीं होगा तो शॉर्टकट के भरोसे कोई भी अच्छे कंपटीशन में पास करना संभव नहीं है। आजकल IIT वाले ये भी आए दिन आप अखबार में पढ़ रहे होंगे कि वो भी कह रहे हैं कि बच्चे IIT में तो पहुंच जाते हैं लेकिन उनकी क्रिएटिविटी लगभग 0 होती है, वो इनोवेटिव आइडियाज नहीं दे सकते, उनकी थॉट प्रोसेस इनोवेटिव नहीं हो सकती, उनकी डेवलपमेंट अच्छी नहीं हो पा रही है, अपार्ट फ्रॉम कि उन्होंने बहुत अच्छी तरह से मेहनत करके जैसे तैसे IIT में तो पहुंच गए हैं, लेकिन आगे का रास्ता जो आप साइंटिस्ट प्रोड्यूस करना चाहते हो, जो आप अच्छे टेक्नोक्रेट प्रोड्यूस करना चाहते हो, उसमें बाधाएं आ रही है। तो आज की तारीख में क्रिएटिव होना बहुत जरूरी है, इसलिए विषय वस्तु को अच्छी तरह से समझना बहुत जरूरी है। मैं देखता हूँ आजकल लगभग हर एक बच्चा टेक्स्ट बुक को पढ़ना नहीं चाहता, एक्सरसाइज सॉल्व करना चाहता है, क्वेश्चन सॉल्व करना चाहता है, लेकिन अपने से बुक का, किसी भी किताब का स्व अध्ययन करना नहीं चाहता। वो चाहता है कि टीचर सामने से जो है वो नोट्स लिखवा दे, वो क्वेश्चन का आंसर बता दे, क्वेश्चन कैसे सॉल्व होता है ये बता दे, लेकिन किसी अच्छी बुक का अध्ययन करना लगभग खत्म होता जा रहा है। जबकि हमारी ये समझ है, या मैं अपने स्टूडेंट लाइफ में, ट्यूशन तो दूर की बात थी, कभी पढ़ा नहीं, लेकिन हमेशा से 2-4 ऑथर की किताब एक सब्जेक्ट पर कम से कम जरूर पढ़ता था कि किसने इस टॉपिक में अच्छा लिखा है, किसने इस टॉपिक में खराब लिखा है, या खराब तो होता नहीं है, मतलब थोड़ा कंप्रिहेंसिव नहीं है,
किस में विस्तृत नॉलेज है, किस में ऐसी बात लिखी है जो मुझे समझ आ रही है। तो एक टॉपिक पे 4-5 किताब टेक्स्ट बुक जरूर पढ़ते थे, कुछ लाइब्रेरी से लेते थे, कुछ खरीदे हुए होते थे, कुछ दोस्तों से उधार ले लेते थे और पढ़ के उनको वापस कर देते थे। आजकल एक टेक्स्ट बुक एनसीईआरटी का किताब 11th, 12th, 9th, 10th से लेकर के और ऊपर के लेवल तक बच्चे खुद नहीं पढ़ना चाहते, वो भी चाहते हैं कि कोई दूसरा आदमी उनसे नोट्स बना के दे दे, क्वेश्चन आंसर के पैटर्न पर दे दे, तो फिर उनका काम चल जाएगा, वो एग्जाम पास कर जाएंगे। नतीजा क्या है कि आज जब बच्चे सिविल सर्विसेज की तैयारी जैसे अहम मुकाम पर पहुंचते हैं, CAPF की तैयारी करते हैं, RBI ग्रेड ए ग्रेड बी की तैयारी करते हैं या कोई अन्य एग्जाम की तैयारी जब करते हैं, तो उनको यही किताबें फिर से पढ़नी पड़ती है और लगभग लगभग एक वर्ष का समय उनका जाया हो जाता है। फिर भी वो कमांड, वो कॉन्फिडेंस नहीं आ पाती जो कि उन्होंने बचपन में अगर उसे तसल्ली से पढ़ा होता तो उनको आती। आजकल प्रायः सिविल सर्विसेज के हर एक एग्जाम में आप हर एक कोचिंग सेंटर में हर एक जगह पे पहले NCERT 6th से लेकर के और 12th क्लास तक की पढ़ने के लिए कहा जाता है। जरूरी भी है और बहुत जरूरी है। बेसिक ज्ञान है नहीं तो आप ऊपरी लेवल पर, जैसे कि नींव मजबूत नहीं हो तो आप मकान का ऊपरी स्ट्रक्चर चाहे जितना भी बेहतर बना दें वो बन नहीं सकता। तो नींव मजबूत होना जरूरी है और नींव मजबूत नहीं है तो ऊपर से चाहे जितना पढ़ाई कर ले समझ में आना नहीं है, और समझ में आने में बहुत दिन लगता है, बहुत टाइम लगता है, तब तक एक आध अटेम्प्ट भी खत्म हो जाता है। नतीजा क्या होता है कि 2-3 साल अथक मेहनत करने के बावजूद वो सफलता नहीं मिलती जो उनकी मिलनी चाहिए। इसलिए आग्रह ये है कि जो ग्रोइंग चाइल्ड हैं, जो अभी बच्चे आगे आने वाले समय के लिए तैयारी कर रहे हैं या जो बच्चे अभी आने वाले दिनों में अपने करियर को किसी मुकाम पर देखना चाहते हैं, उनसे आग्रह ये है कि जो भी पढ़े उसको तसल्ली से पढ़े, उसको अच्छे समझें, कंप्लीट ट्रूथ जाने, पूरी फंडामेंटल कंसेप्ट डेवलप करें। अदरवाइज आप शॉर्टकट के भरोसे बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल नहीं कर पाएंगे। शॉर्टकट एक आवश्यक अंग है बट ये सब कुछ नहीं है। दूसरी ध्यान देने वाली बात यह है कि हर एक आदमी सब कुछ जानता है ऐसा नहीं है, आप भी जानते हैं। एक आदमी सब कुछ जाने, आप सब कुछ जाने ये जरूरी नहीं है। आपका स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेस क्या है, ये आप अच्छी तरह जानते हैं। थोड़ी बहुत जानकारी किसी कोने में नहीं भी है तब भी आप अपने कॉन्फिडेंस को लूज ना करें। सब कोई सब कुछ नहीं जानता लेकिन सब लोग कुछ ना कुछ अवश्य जानता है, ये बात तो सबको आप पता है। आप भी समझते हैं कि आप सब कुछ नहीं जान सकते लेकिन आप बहुत कुछ जान सकते हैं और बहुत कुछ जानते भी हैं। तो जो आप जानते हैं उसका अच्छे से उपयोग करें और जो नहीं जानते उसको जानने के लिए अच्छी तरह से प्रयास करें तो सफलता आपको मिलेगी ही मिलेगी। स्थितियां ऐसी ही है, इसलिए किसी भी चीज को पूरी ट्रूथ जाने, अगर आधी जानकारी आपके पास है तो वो डेंजरस एंड तक जाएगी, उसका गलत मतलब निकलेगा। आपको ये समझाने के लिए मैं एक स्टोरी बताता हूँ। इस शिप जो पानी जहाज होता है इस पे कैप्टन और वाइस कैप्टन और भी बहुत सारे कर्मचारी होते हैं, बट कैप्टन और वाइस कैप्टन की ड्यूटी होती है जहाज को पूरी तरह से कंट्रोल करने की और जहाज को एक जगह से ले जाने दूसरी जगह ले जाने की, कप्तान की पूरी जिम्मेदारी होती है। तो हर एक डिपार्टमेंट का सर्विस बुक जो होता है उसमें एक लॉग बुक होता है जिसमें रोज की ड्यूटी के बारे में लिखा जाता है। एक दिन रात में वाइस कैप्टन ने पार्टी की, शराब पिया और उसका हैंगओवर 3-4 बजे तक उसने की होगी, हैंगओवर उतरा नहीं, अगले दिन वो ड्यूटी पे गया। कैप्टन को लॉग बुक लिखना था, उसने लिखा लॉग बुक में द वाइस कैप्टन हैज ड्रंकन व्हाइल रिपोर्ट ऑन ड्यूटी। मतलब कि ये कि वाइस कैप्टन साहब ने जब ड्यूटी पे आए तो उन्होंने शराब पी रखी थी। वाइस कैप्टन ने लॉग बुक देखा, विद फोल्डेड हैंड गया, सर फॉरगिव मी व्हाट यू हैव रिटन दैट इज एब्सोल्युटली राइट बट इट इज इनकम्प्लीट नॉलेज, इनकम्प्लीट सेंटेंस,
which lead an dangerous end. Because after reading this, I might be terminated, मेरी जॉब चली जाएगी, मेरे बीवी बच्चे रोड पे आ जाएंगे, मैं भूखे मर जाऊंगा. आप इसमें ये लिख दीजिए कि this happened in once in last 5 year. Because we are working for last 5 year and this is first time which is happened. आप ये जोड़ दीजिए. कैप्टन ने कहा नहीं, जो मैंने लिखा वो कंप्लीट है and there is no need to add any more sentence into it. वाइस कैप्टन बहुत निराश हुआ, बहुत रिक्वेस्ट की, लेकिन कैप्टन माना नहीं. अगले दिन कैप्टन जब ड्यूटी पे आए तो वाइस कैप्टन को लिखना था लॉग बुक. उसने लिखा, द कैप्टन हैजंट ड्रंक टुडे व्हाइल रिपोर्ट ऑन ड्यूटी. कैप्टन ने आज शराब नहीं पी है जब वो ड्यूटी पर आए हैं. क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब ये हुआ कि कैप्टन रोज शराब पी के आते हैं. कैप्टन ने जब देखा, सिर्फ आज नहीं पी है, कैप्टन ने जब देखा तो बोला कि व्हाट यू हैव रिटन, दिस इज रविश, दिस इज एब्सोल्युटली अटर नॉनसेंस. सो वाइस कैप्टन रिप्लाइड, सर व्हाट आई हैव रिटन दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट एज टू मी. आज आपने नहीं पी है, यही बात तो मैंने लिखी है कि आज आपने नहीं पी है. लेकिन सेंस क्या निकलता है? सेंस ये निकलता है कि कैप्टन रोज पी के आते हैं, आज उन्होंने नहीं पी है. अब ज्यादा डेंजर एंड पे कौन है? कैप्टन की वाइस कैप्टन. आप बताएं, आप खुद समझदार हैं, समझ रहे हैं कि कौन ज्यादा डेंजर एंड पे है. ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि कोई भी दोनों सेंटेंस कंप्लीट नहीं था. कंप्लीट नहीं था. इनकम्प्लीट सेंटेंस लीड्स डेंजरस एंड. उसके बहुत सारे मतलब हो सकते हैं, उसके बहुत सारे मीनिंग हो सकते हैं. जब तक वाक्य कंप्लीट नहीं होगा तो उसके मतलब बहुत सारे होंगे, उसके डायमेंशन बहुत सारा होगा. इसी तरह से अगर आपकी नॉलेज कंप्लीट नहीं होगी तो उसको मेनी डायरेक्शंस होंगे, कई सारे डायरेक्शंस होंगे जो कितने भी खतरनाक एंड पे पहुंच सकते हैं. और उस स्थिति में जब इनकम्प्लीट नॉलेज होगी तो उस इनकम्प्लीट नॉलेज से कंप्लीट ट्रूथ बाहर नहीं आ सकती. जिस तरह से वहां पे कंप्लीट ट्रूथ बाहर नहीं आया दोनों सेंटेंस से, ट्रूथ कुछ और है, निकल कुछ और रहा है, उसी तरह से यहां पर भी नॉलेज अगर आधी अधूरी होगी तो उसके परिणाम भी आधे अधूरे ही आएंगे और हो सकता है बहुत खतरनाक परिणाम भी आ जाए. तो आप आधी अधूरी ज्ञान अर्जित करके और पूरी रेस जितना चाहते हैं, यह संभव नहीं है. आधी अधूरी ज्ञान अर्जित करके कोई भी पूरा रेस नहीं जीत सकता, पूरी कंप्लीशन नहीं जीत सकता. आधी दौड़ लगा करके पूरी रेस कभी नहीं जीती जाती. रेस जीतने के लिए पूरी दौड़ लगानी पड़ती है. इसलिए हम उन बच्चों को, आप सब लोगों को जो भी व्यूअर हैं, उनको ये कहना चाहते हैं कि किसी भी विषय वस्तु को अच्छी तरह से पढ़ें, समझें, डेप्थ उसमें डेवलप करें, फिर शॉर्टकट आइडिया अपने आप आएगी. शॉर्टकट आइडिया आप दूसरों से भी सीख सकते हैं, लेकिन नॉलेज जरूर होना चाहिए, तभी वो शॉर्टकट आइडिया फलीभूत होगा, काम आएगा. सिर्फ शॉर्टकट आइडिया के भरोसे आप जंग नहीं जीत सकते, कंपटीशन नहीं जीत सकते. जैसे आप सिर्फ ट्रिक्स के भरोसे ये सोचें कि हम हर एक कंपटीशन जीत जाएंगे, ऐसा नहीं है. कोई भी कंपटीशन नहीं जीत सकते. इवन मैं कह देता हूँ क्लर्क ग्रेड का एग्जाम भी पास नहीं कर सकते सिर्फ शॉर्टकट के भरोसे. इसलिए जो भी तैयारी कर रहे हैं छात्र, स्टूडेंट्स जो भी तैयारी कर रहे हैं, उनसे ये उम्मीद है, ये आग्रह है कि आप अगर कंपटीशन में वाकई सक्सेसफुल होना चाहते हैं, सीरियस है, तो विषय वस्तु को अच्छी तरह से पढ़ें और इनकम्प्लीट नॉलेज ना रखें. एक ही विषय वस्तु को, एक ही टॉपिक को तब तक पढ़ें जब तक आपको अच्छी तरह से समझ ना आ जाए. बहुत सारा टॉपिक पढ़ने से बेहतर है कि आधी आधी 10-10% उसमें नॉलेज हो. इससे बेहतर है कि एक टॉपिक पढ़े उसमें 90-100% नॉलेज हो. तो जब तक एक टॉपिक बहुत अच्छी तरह से आपको समझ नहीं आ जाता, तब तक दूसरे टॉपिक को न पढ़ें. अक्सर मैंने देखा है कि बच्चे एक किताब लेकर के बैठते हैं, दो चार पन्ना पढ़ते हैं, उसके बाद उनको लगता है कि अरे ये तो दूसरा
पोर्शन पढ़ना बहुत जरूरी है, मुझे हिस्ट्री पढ़ना बहुत जरूरी है, हिस्ट्री का किताब लेके आते हैं, एक आध पेज हिस्ट्री पढ़ते हैं, तब तक दिमाग में आता है अरे ज्योग्राफी का काम बहुत बाकी रहता है, ज्योग्राफी लेके आओ, फिजिक्स का काम बहुत बाकी रहता है, फिजिक्स लेके आओ, और इस तरह से उनका 2-4 घंटा बर्बाद हो जाता है, पढ़ाई कुछ नहीं होती। तो आप जब एक काम की शुरुआत करें तो उसको एक मंजिल तक ले जाए, उसको एक दिशा दे, उसको एक डेस्टिनेशन तक ले जाए, उसमें एक कंप्लीटनेस लाएं, उसमें एक परफेक्शन लाएं, उसमें ट्रूथ को ढूंढें, उसमें कंप्लीट नॉलेज को ढूंढें, और जब ये प्राप्त हो जाए तब दूसरे सब्जेक्ट में, दूसरे पोर्शन में, दूसरे टॉपिक में हाथ लगाएं। अदरवाइज इनकम्प्लीट नॉलेज एवरीवेयर मीन्स यू आर नोवेयर। दैट्स ऑल आई वांटेड टू से टुडे। ठीक है, उम्मीद है आपको कुछ ना कुछ जरूर इस वीडियो से मिलेगा, और आप मन लगा के अपनी कंप्लीटनेस की ओर, अपने जो काम कर रहे हैं उसमें एकाग्रचित होकर के, और एक ही काम को बहुत तसल्ली से करके परफेक्ट, फुल कंप्लीट ट्रूथ बाहर ले आएंगे, और फिर अगली काम की ओर कदम बढ़ाएंगे। ऐसी कामना है मेरी। थैंक यू वेरी मच।